how to fix OnePlus X no sim card error problem। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तेकिराज YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने OnePlus के डिवाइस में नो सिम कार्ड एरर प्रॉब्लम सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे आपने सिम भर दिया है अपने मोबाइल पे, उसके बावजूद दोस्तों आपको यहाँ पे नो सिम कार्ड करके एरर दिखाई देते हैं, तो आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, आज के इस वीडियो पर दोस्तों मैं आपको यही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो वीडियो को अंत तक देखना है। जो भी दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन होगा उसको फॉलो करना है, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ऑनलाइन पैसा कमाना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो डिस्क्रिप्शन पर आपको लिंक मिल जाएगा। किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो सिम कार्ड एरर का प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक है, उसको फिक्स करने के लिए आप सबसे पहले मोबाइल को रिस्टार्ट कीजिए। रिस्टार्ट करने के बाद अगर ठीक हो जाते हैं तो अच्छी बात है, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो आपको सिम जो है उसको इजेक्ट करके इंसर्ट करना है, ठीक है। आपको सिम जो है मोबाइल के बाहर निकाल देना है और उसके बाद उसको दोबारा से रीइंसर्ट करना है, और उसके बाद दोस्तों दोबारा से चेक करके देखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोसेस है हमेशा काम करते हैं, तो आप ये ट्राई करके देख सकते हैं। अगर इससे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर इससे भी नहीं हो रहा है तो जाइए अपने मोबाइल के सेटिंग पर, उसके बाद स्क्रॉल डाउन करें, सिस्टम पर क्लिक कीजिए, रीसेट ऑप्शन पर जाइए, रीसेट वाईफाई मोबाइल एंड ब्लूटूथ पे क्लिक कीजिए, और यहाँ पे आपको रीसेट सेटिंग पर क्लिक करके मोबाइल का पैटर्न भर देना है। उसके बाद आपका जो यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग है रीसेट हो जाएगा। उसके बाद चेक करके देखें, अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप जाइए अपने मोबाइल के वाईफाई नेटवर्क, उसके बाद फ्लाइट मोड को इनेबल कीजिए। इनेबल करने के बाद दोस्तों आपको वेट करना है एक मिनट, उसके बाद बंद करना है और चेक करके देखना है, प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका होगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं हो रहा है तो सिम एंड नेटवर्क पे जाके आपको नेटवर्क यहाँ पे स्विच करना है, ठीक है। हो सके तो यहाँ पे नेटवर्क को स्विच करने की कोशिश करें, अगर स्विच हो जाते हैं तो आपको नेटवर्क मिल भी सकते, ठीक है। अगर आप इस तरीके से सिम पे जा पा रहे हैं तो आपको दोस्तों यहाँ पे नेटवर्क ऑपरेटर भी मिलेगा, वहाँ पे जाके दोस्तों आप नेटवर्क को मैनुअल भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस बटन को बंद करने से आपको मैनुअल नेटवर्क मिलेगा, ठीक है। अगर आप मैनुअल नेटवर्क यूज़ करें तो आप ऑटोमेटिक नेटवर्क यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारे जो सॉल्यूशन है दोस्तों आप यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों नो सिम कार्ड क्यों शो होते हैं मैं आपको बता देता हूँ क्यों होते हैं। क्योंकि दोस्तों जब हमारा फ़ोन यहाँ पे काफ़ी दिन से अगर रिस्टार्ट नहीं हुआ, फ़ोन को स्विच ऑफ नहीं किया, फ़ोन को अपडेट नहीं किया, फ़ोन को अच्छे से मेंटेन नहीं कर रहे, तो दोस्तों ये प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है। तो ये रीज़न के वजह से आपको प्रॉब्लम हो रहा है, तो यहाँ पे दोस्तों मेक श्योर आपका सॉफ्टवेयर अपडेट रहे। उसके लिए आपको सिस्टम पर जाके यहाँ पे सिस्टम अपडेट पर चेक करना है, सॉफ्टवेयर अपडेट दिखाई दे रहा है, सॉफ्टवेयर को अपडेट कीजिए, उसके बाद चेक करके देखें, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मान लीजिए अभी भी आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो हो सकते सिम में भी प्रॉब्लम हो, तो सिम को दूसरे मोबाइल पे भर के देखें। अगर दूसरे मोबाइल पे काम कर रहा है, आपके मोबाइल पे काम नहीं कर रहा है, यानी कि दोस्तों आपके सिम स्लॉट में प्रॉब्लम हो सकते हैं, उसको कॉन्फर्म करने के लिए आपको दूसरा सिम जो है उस स्लॉट में भरना होगा। अगर काम कर रहा है, ठीक है, दूसरा सिम आपके मोबाइल पे, तो आपका सिम स्लॉट ख़राब नहीं हुआ है, ठीक है, उस सिम पे ही कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो अच्छे से एक बार आप री एंटर कीजिए, ठीक है, स्लॉट में आपको अच्छे से जो है सिम कार्ड को उस सिम ट्रे में भर देना है और उसके बाद ऐड करना है सही तरीके से, और प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मान लीजिए दोस्तों दूसरे सिम भी आपके मोबाइल पे काम नहीं कर रहा है, एक भी सिम काम नहीं कर रहा है, तो डेफिनेटली सिम स्लॉट ख़राब है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसा हो रहा है कि आपके मोबाइल पे सिम काम कर रहा है, तो कुछ और प्रॉब्लम हो सकते हैं। या फिर दोस्तों मान लीजिए आपका सिम जो है
किसी दूसरे डिवाइस में भी काम नहीं कर रहे हैं तो वो सिम ही ख़राब है। तो उसके लिए दोस्तों आप किसी भी नेटवर्क ऑपरेटर को कॉल करके आप पूछ सकते हैं। मान लीजिए आप एयरटेल सिम यूज़ करते हैं तो आप किसी भी दूसरे एयरटेल सिम से नेटवर्क ऑपरेटर को कॉन्टेक्ट करके बात कर सकते हैं कि आपके सिम पे हुआ क्या है। ठीक है, तो आप ये सारे प्रोसीजर्स फॉलो कर सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।